वेलकम टू आर्ट का तड़का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। यह है हमारा, आपका और हम सबका चैनल आर्ट का तड़का। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आज एक छोटा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसमें मेरा 3 फ्लावर्स बने हुए हैं। एक फ्लावर को मैंने तैयार कर लिया है पहले ही आप लोगों को दिखाने के लिए। दूसरा डिज़ाइन का दूसरा फ्लावर मैं अभी आप लोगों के सामने दिखाऊंगी बनाकर, और बताते भी जाऊंगी कलर के बारे में, पेंट के बारे में और ब्रश के बारे में। ब्रश तो मैंने फ्लैट वाली, वही ये 3 नंबर वाली मैंने ली है। और पहला फ्लावर जो मैंने बनाया है वो क्रिम्सन रेड और वाइट मिलाकर मिक्स करके मैंने बनाया है, और दूसरा फ्लावर को मैं मजेंटा कलर और वाइट कलर मिलाकर बना रही हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी सा, आसान सा एक डिज़ाइन है। इसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है कि एक साइड डार्क कलर फिल करें और दूसरे साइड लाइट फिल करके बीच में बस मिक्स कर देना है। मिक्स करने के वक्त हमें दोनों कलर को बीच में इतना मेल्ट करना है कि हमारा लाइनिंग, मिक्सिंग का जो लाइनिंग है वो पता ना चले। देखिए, जैसा कि मैं डिज़ाइन में दे रही हूँ, इसको बनाने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती है। बस सीधे सीधे मिक्स कर देना है बीच में। मैं फ्रेंड्स छोटा सा डिज़ाइन ही लेकर आती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बड़े बड़े डिज़ाइन मैं बनाती तो हूँ, पर मैं आप लोगों को बताने के लिए, ताकि इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए बड़ा डिज़ाइन आप, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है जिनको पेंटिंग करना नहीं आता है बिल्कुल भी, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो बड़ा बड़ा डिज़ाइन देखकर उसको लगता है कि कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कैसे बनेगा, मुझसे नहीं होगा, पता नहीं कैसे बन रहा है। तो इसलिए मैं छोटा सा डिज़ाइन लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ और आप बगैर दिक्कत कर इजीली आप लोग बना सकें। तो इसमें ये याद रखना है कि जिस साइड में आपने डार्क, पहली पत्ती में जिस साइड में आपने डार्क दे रखा है, तो दूसरी पत्ती जब आप बनाएं तो उस साइड में आप लाइट रखें और मिक्स करें, तो आपका डिज़ाइन खूबसूरत बनेगा। और एक बात और याद रखें फ्रेंड्स, कि मिक्स करने के वक्त हो या स्ट्रोक वाले जो आप डिज़ाइन बनाना चाहें, तो स्ट्रोक देने के वक्त हो, आप लोग बस इतना ध्यान रखें कि उसका जो भी झुकाव हो वो सेंटर की तरफ हो, बिल्कुल फ्लावर के जिधर सेंटर होता है उधर हो। तो आप लोग बगैर कोई दिक्कत का फ्लावर को शेप दे सकती हैं, इसलिए उसको बना सकती हैं। जब आप ऐसे बनाइएगा तो आपका फ्लावर आराम से खुद ब खुद शेप ले लेगा। बस इतना ध्यान रखें कि उसका जो आप स्ट्रोक का जो ये है या मिक्स करने का जो हमारा तरीका है, तो उसको ब्रश को आप सेंटर की तरफ घुमाएं मिक्स करने के वक्त भी, तो इस तरह से आपका फ्लावर अपने आप शेप ले लेगा। ये हमारे नहाए थी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, तो इसको भी बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो बस ऊपर नीचे लाइट और डार्क फिल करके और बीच में हल्का सा मिक्स कर देना है। आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं बताऊंगी। और दोस्तों, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं हमें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। यकीन जानिए, आपका कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं जवाब देने की भी, रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। तो आप अपने, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके बताएं मुझे।
ये हमारा तीसरा फ्लावर है, इसको भी मैंने पहले ही की तरह बनाया है। देखिए मेरे सारे जो पत्तियों का जो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, मेल्ट कर रही हूँ, तो उसका ब्रश का मेरा जो नीचे ले जा रही हूँ मैं, तो देखिए सारा मेरा ब्रश सीधे मिक्स करते हुए नीचे सेंटर की तरफ जा रहा है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि आप मिक्स जब करें, कोई भी पत्ती मिक्स करें, चाहे जैसे भी वो झुका हुआ हो, उसका ब्रश का आपका मुड़ाव सेंटर की तरफ होगा तो आपका फ्लावर जो है अपने आप शेप लेगा। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये शेप कैसे लेता है, ये पत्ती को ऐसे कैसे बनाए। और दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि जिस साइड में रोज़ बनाएं या कुछ भी बनाएं, जिस साइड में मिक्स करने वाली इस डिज़ाइन को मैं बता रही हूँ, तो जिस साइड में आपका डार्क हो उस साइड में आप दूसरे पंखुड़ी में लाइट रखें, तो बस आपका फ्लावर ईजिली बनेगा बगैर कोई दिक्कत और परेशानी के। हमारा डिज़ाइन तैयार है दोस्तों, तो हमें ज़रूर बताएं आप ये हमारा डिज़ाइन और आइडिया कैसा लगा। मैं इंशाल्लाह बड़े बड़े डिज़ाइन भी बताऊंगी, लेकिन मुझे छोटा डिज़ाइन बताने में ज़्यादा आसानी लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।